नमस्कार, आप सभी का HBN 24 न्यूज में स्वागत करता हूं। मैं संदीप नौकवाल। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भाजपा अपने 67 यानी 67 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है और उम्मीदवारों के ऐलान के बाद ये भाजपा में बगावत भी शुरू हो चुकी है। जी हां, बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां से बीजेपी के पदाधिकारी, बीजेपी के जिला अध्यक्ष टिकट न मिलने से या अपने समर्थकों के टिकट न मिलने से बगावती सूरत अपना चुके हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि रणजीत सिंह चौटाला समेत काफी ऐसे विधायक हैं जो मीटिंग कर अपने समर्थकों में ऐलान कर चुके हैं भाजपा छोड़ने का। जी हां, वहीं पर शमशेर सिंह खरकड़ा, सोनीपत के जिला उपाध्यक्ष संजीव वलेचा, भाजपा किसान मोर्चा चरखी दादरी के जिलाध्यक्ष विकास उर्फ भले चेयरमैन भी पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। सोनीपत से भाजपा प्रवंचल प्रकोष्ठ प्रदेश सह संयोजक संजय ठेकेदार ने भाजपा छोड़ दी है। जी हां, ऐसे हजारों नाम हैं जो भाजपा छोड़ चुके हैं क्योंकि भाजपा के अंदर या तो भगोड़े नेताओं को जगह दी गई है या जेजेपी छोड़कर आए नेताओं को जगह दी गई है या ऐसे नेताओं को जगह दी गई है जिसके कारण भारी उम्मीदवार को भी काफी जगह उतारा गया है। इसके कारण भाजपा के अंदर जो एंटी इनकैप्सी का जो खतरा बना हुआ है। यहीं पर आपको बता दें कि 8 मंत्रियों को दोबारा टिकट दिया गया, 25 नए चेहरे भी शामिल किए गए हैं, 7 विधायकों का टिकट काटा गया है, 8 महिलाएं को भी टिकट दिया गया है। सीएम सैनी को जहां से भाजपा हार गई थी लाडवा सीट, वहां से उतारा गया है। टोटली मिलाकर आप देख सकते हैं कि 16 ओबीसी उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है और 13 जाट उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है, 13 SC उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है, 9 ब्राह्मण, 1 सिख, 2 राजपूत, 5 वैश्य और 8 पंजाबी लोगों को टिकट दिया गया है। अब बात करते हैं कि नए उम्मीदवारों को कहां कहां से टिकट दी गई है। लाडवा से नायब सिंह सैनी, जहां 2019 में पवन सैनी थे उनके टिकट काटकर नायब सिंह सैनी को टिकट दिया गया, ये कांग्रेस से हारे थे। वहीं पर कालका से शक्ति रानी शर्मा को टिकट दिया गया, लतिका शर्मा की जहां टिकट पक्की मानी जा रही थी और यहां से कांग्रेस 5931 वोट से प्लस में थी या जीती थी। वहीं पर पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता को टिकट दिया गया जहां से भाजपा 5633 वोटों से पिछली बार भी जीती थी, यानी टिकट नहीं बदली गई है। अम्बाला कैट से अनिल विज सेम उम्मीदवार रिपीट हो रहे हैं। अम्बाला शहर से असीम गोयल वापस दोबारा फिर से टिकट दी गई है। मलाना से संतोष शर्मन को टिकट दी गई, राजवीर सिंह का टिकट काट दिया गया है और राजवीर सिंह के समर्थक काफी नाराज भी नजर आ रहे हैं। यहाँ से कांग्रेस जीती थी इसलिए इनका टिकट काटा गया, जहां से कांग्रेस जीती थी वहां से लगभग लगभग भाजपा ने टिकट काट दिया विधायकों का। सडोरा से बलवंत सिंह को टिकट दिया गया है, यहाँ से भी कांग्रेस जीती थी फिर से बलवंत सिंह रिपीट हुए हैं, इनका टिकट नहीं काटा गया। जगाधरी से कौरपाल गुज्जर को टिकट दिया गया है। यमुनानगर से घनश्याम दास अरोड़ा को एक बार फिर से टिकट दिया गया है, यहाँ से भाजपा जीती थी। राधौर से श्याम सिंह राणा को टिकट दिया गया, कर्णदेव की टिकट काटकर श्याम सिंह राणा को टिकट दिया गया, जहां से कांग्रेस 2500 ही वोटों से जीती थी। वहीं पर शाहबाद से सुभाष कलसाना को टिकट दिया गया, कृष्ण कुमार की टिकट काटकर सुभाष कलसाना को टिकट दिया गया, यहां से जेजेपी जीती हुई थी। थानेसर से सुभाष सुधा एक बार फिर से रिपीट हो रहे हैं। पहवा से कमलजीत सिंह, संदीप सिंह मंत्री है जो उनकी टिकट काटकर कमलजीत सिंह अजराना को टिकट दी गई है। बादशाहपुर से आप देख सकते हैं, बादशाहपुर से यहां से गोला से कुलवंत बाजीगर को टिकट दिया गया है और बादशाहपुर की भी आपको बताऊंगा। उससे पहले आप देख सकते हैं बादशाहपुर से नाव नरवीर सिंह को टिकट दिया गया, मनीष यादव की टिकट काटकर यहां से निर्दलीय उम्मीदवार जीता था। गुरुग्राम से मुकेश शर्मा को टिकट दिया गया, सुधीर सिंगला की टिकट काटकर। पृथला से टेकचंद शर्मा को टिकट दिया गया, सोहन पाल की टिकट काटकर। बहादुरगढ़ से दिनेश कौशिक को टिकट दिया गया, नरेश कौशिक की टिकट काटकर यहां से कांग्रेस जीती थी। और बादली से ओम प्रकाश धनखड़, जी हां बादली से ओम प्रकाश धनखड़ को टिकट दी गई। जी हां, फिर से ओम प्रकाश धनखड़ वापस आए, ओम प्रकाश धनखड़ आ गए थे पिछली बार चुनाव के अंदर लेकिन इस बार ओम प्रकाश धनखड़ को फिर से टिकट दी गई। बलवड़ से मूलचंद शर्मा को फिर से रिपीट किया गया, भाजपा यहां से जीती थी। पलवल से गौरव गौतम, दीपक मंगला की टिकट काटकर गौरव गौतम को टिकट दी गई है, यहां से भाजपा जीती थी। दीपक मंगला की टिकट काट दी गई है, दीपक मंगला समर्थक भी काफी नाराज है। फरीदाबाद से विपुल गोयल, नरेंद्र गुप्ता की टिकट काटकर विपुल गोयल को टिकट दी गई है। टिगांव से राजेश नागर जो है भाजपा के यहाँ से जीती थी, इनको राजेश नागर को टिकट दी गई टिगाउन से। चलिए कुछ और सीटों पर लेके चलता हूँ आपसे। और जैन से डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा, जी हाँ जैन से डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा को फिर से टिकट दी गई है। चनाकला से देवेंद्र अत्री, प्रेमलता की टिकट काटकर देवेंद्र अत्री को टिकट दी गई है, जेजेपी यहाँ से 47,000 वोटों से जीती थी। और टवाना से देवेंद्र बबली जो जेजेपी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं, सुभाष बराड़ा की टिकट काटकर देवेंद्र बबली को टिकट दी गई है। फतेहाबाद से दुर्गाराम बिश्नोई एक बार फिर से रिपीट हो रहे हैं, यहाँ से भाजपा सिर्फ 3300 वोटों से जीती थी लेकिन इस बार जीतना मुश्किल है। रतिया से सुनीता दुग्गल को फिर से टिकट दी गई है, लक्ष्मण नापा की टिकट काटकर सुनीता दुग्गल को टिकट दी गई है, जिसके कारण लक्ष्मण नापा के समर्थक काफी नाराज है, पार्टी छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। वहीं पर कालावाली से बलकौर सिंह की टिकट काटकर राजेंद्र दसूजा को टिकट दी गई है। रानिया से
रामचंद्र कंबोज की टिकट काटकर शिशपाल कंबोज को टिकट दी गई, रणजीत सिंह चौटाला भी यहाँ से नाराज, टिकट नहीं दी गई उनको। आदमपुर से भव्य बिश्नोई फिर से रिपीट हो रहे हैं यहाँ से, और उकलाना से अनूप धानक आशा खेदड़ की टिकट काटकर अनूप धानक को टिकट दी गई उकलाना से, और यहाँ से नारायण से कैप्टन अभिमन्यू फिर से रिपीट हो रहे हैं, हंसी से विनोद भ्याना फिर से रिपीट हो रहे हैं, बरवाड़ा से रणवीर गंगवा सुरेंद्र पुनिया की टिकट काटकर रणवीर गंगवा को टिकट दी गई बरवाड़ा के अंदर, हिसार से कमल गुप्ता फिर से रिपीट हो रहे हैं, नलवा से रणधीर पनिहार रणधीर गंगवा की टिकट काटकर रणधीर पनिहार को टिकट दी गई है नलवा के अंदर, और गंगवा को बरवाड़ा से टिकट दे दी गई है। लवारू से जप्पी दलाल फिर से रिपीट हो रहे हैं, और पिछली बार जप्पी दलाल ही जीते थे, और बाड़ा से उम्मीद पातुवास सुखविंदर शुरानी की टिकट काटकर उम्मीद पातुवास को टिकट दी गई है, दादरी से बबीता कुमारी की टिकट काटकर सुनील सांगवान को टिकट दी गई है, और भिवानी से घनश्याम सरफ फिर से रिपीट हो रहे हैं, तुसाम से श्रुति चौधरी को टिकट दी गई है, और भवानीखेड़ा से कपूर बाल्मीकि विशंबर सिंह बाल्मीकि का टिकट काट दिया गया, मैं पहले भी कह रहा था उनकी जगह कपूर बाल्मीकि को टिकट दी गई है, मैम से शमशेर खड़कड़ा की टिकट काटकर दीपक हुड्डा को टिकट दी गई है, गढ़ी सांपला कलोई से मंजू हुड्डा संतीश नांदर की टिकट काटकर मंजू हुड्डा को टिकट दी गई है, और कलानौर से रेणु डाबला को टिकट दी गई है, राम अवतार बाल्मीकि की टिकट काटकर जहाँ से कांग्रेस जीती थी, और झज्जर से राकेश कुमार की टिकट काटकर कप्तान बिरधाना को टिकट दी गई है, यहाँ से भी कांग्रेस जीती थी पिछली बार, अटेली से आरती राव को टिकट दी गई है जहाँ से भाजपा जीतती आई है सीताराम यादव की टिकट काटकर, नांगल से डॉक्टर अभय सिंह यादव को टिकट दी गई है, डॉक्टर अभय सिंह यादव फिर से रिपीट हुए हैं, भाजपा यहाँ से जीती थी, कोसली से अनिल दहिना लक्ष्मण सिंह यादव को टिकट काटकर अनिल दहिना को टिकट दी गई है, भाजपा यहाँ से पिछली बार जीती थी, रेवाड़ी से लक्ष्मण सिंह यादव को टिकट दी गई है सुनील कुमार की टिकट काटकर, कांग्रेस पिछली बार यहाँ से जीती थी तो यहाँ से उम्मीदवार भी बदल दिया गया है, बादशाहपुर से राव धर्मवीर सिंह मनीष यादव को टिकट काटकर नाव धर्मवीर सिंह को टिकट दी गई है, और ये जो सीटें हैं पार्टी की मैं आपको बता चुका हूँ, बादशाहपुर की बता चुका हूँ, गोल्ला जी की बता चुका हूँ, लगभग सारी सीटें मैं आपको बता चुका हूँ, और आखिर जो मेन पॉइंट की बात हम करते हैं किन सीटों पर होल्ड रखा गया है, पार्टी ने अभी तक 23 सीटों पर होल्ड किया है, नारायणगढ़ पुंदरी असंध गनौर राई बरोदा जुलाना नरवाना डब्बावाड़ी सिरसा एलनाबाद रोहतक महेंद्रगढ़ नारनौल बावल पटौदी नवी फिरोजपुर झिरका पुरैना थीन होल्डर फरीदाबाद एनआईटी और बड़खल, क्योंकि भाजपा चाहती है कि इन सीटों पर जो टिकट काट दे, इसको लेकर विवाद भी छिड़ा हुआ है, लोग नहीं चाहते कि टिकट काटी जाए, इसलिए पार्टी ने 23 सीटों को अभी तक होल्ड कर दिया है, पार्टी ने मुस्लिम बहुमल्य नोहे जिले के तीनों विधानसभा सीटों पर टिकट होल्ड कर लिया है, 2019 में तीनों सीटों से हार का सामना करना पड़ा था भाजपा को, और भाजपा में एंटी इनकैप्सी का खतरा बना हुआ है, 2014 में विधानसभा चुनाव में भाजपा ने पूर्ण बहुमत हासिल कर सरकार बनाई थी, लेकिन 2019 में भाजपा ने पूर्ण बहुमत से चूक गई थी, इस कारण भाजपा इस बार नए नए एक्सपेरिमेंट करने में लगी हुई है, और चलिए बात करते हैं आखिर भाजपा का ये प्लानिंग क्या है, पहले लिस्ट में 25 नए चेहरे शामिल किए गए हैं, शाहबाद से सुभाष कलसाना नए चेहरे हैं, और ए भी वीपी कोटे से टिकट दिया गया है, वहीं पे पियोवा से पूर्व मंत्री संदीप सिंह का टिकट काटकर पहली बार सरदार कमलजीत सिंह अजराना को चुनाव मैदान में उतारा गया है, करनाल विधानसभा सीट से जगमोहन आनंद को पहली बार टिकट मिली है, और सवलका से मोहन भड़ाना खरखोदा से पवन खरखोदा सोनीपत से निखिल मदान रतिया से सुनीता दुग्गल कालावाली से राजेंद्र दसूजा रानिया से शिशपाल कंबोज नलवा से रणधीर परिहार को उम्मीदवार बनाया गया है, बाड़ा से मेद पासुबास तोसाम से श्रुति चौधरी दादरी से सुनील सांगवान भवानीखेड़ा से कपूर बाल्मीकि मैम से दीपक हुड्डा गढ़ी सांपला किलोई से मंजू हुड्डा कलानौर से रेणु डाबला बहादुरगढ़ से दिनेश कौशिक झज्जर से कप्तान बिरधाना बेरी से संजय कबलाना अटेली से आरती राव कोसली से अनिल डहिना गुरुग्राम से मुकेश शर्मा पलवल से गौरव गौतम को पहली बार बीजेपी ने उतारा है यानी फर्स्ट टाइम ये उम्मीदवार उतारे गए हैं, और देख सकते हैं लिस्ट की कुछ छह खास बातें ये हैं, अपने कार्यकाल में बलात्कार और हत्या के दोषी गुरमीत राम रहीम को 6 बार परोल या फरलो देने वाले पूर्व जेलर सुनील सांगवान को टिकट दिया गया, यानी बीजेपी जहां इन चीज़ों की बुराई करती है वहीं पर जेलर सुनील सांगवान को भी टिकट दिया गया है, जो राम रहीम के चेते रहे हैं सुनील सांगवान को टिकट दिया गया है, वहीं पर भाजपा में शामिल हुए जेजेपी के विधायक यानी दूसरी पार्टी से आए विधायक राम कुमार गौतम बबली नूप धानक को भी टिकट दिया गया है, वहीं पर तीनों दिन पहले भाजपा में शामिल हुए अम्बाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा को कालका से उम्मीदवार बनाया गया है, यानी रतिया सीट से पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल को टिकट दिया गया है, लोकसभा चुनाव में सिरसा में उनको टिकट काट दिया गया था, भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान दीपक हुड्डा को महम सीट से टिकट दी गई है, मुख्य पांच नेताओं के परिवारों को भी टिकट दिया गया है, कुलदीप बिश्नोई के विधायक बेटे भव्य बिश्नोई किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव सतपाल सांगवान के बेटे सुनील सांगवान और विनोद शर्मा की पत्नी शक्ति रानी शर्मा को टिकट दिया गया है, एक राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार को भी भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है, यानी भाजपा के अंदर सिफारिश भी चली है जोर अजमाइश भी चली है परिवारवाद भी चला है, ऐसे में अब एक ही सवाल है जो मैं आपको पूछना चाहूंगा वीडियो के अंत में लाइक एंड शेयर कर दीजिए कि भाजपा क्या इन उम्मीदवारों के बलबूते
जीत पाएगी, कितनी सीटें निकाल पाएगी, अपने विचार जरूर कमेंट करें। बने रहिएगा एचपीएन 24 न्यूज के साथ, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।